अल्लाह खान की गिरफ्तारी भी अवैध है। अजय सिंह को 6 महीने तक जेल में रखा। मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद इस लड़ाई को जीते और जमानत मिली। संजय सिंह 6 महीने जेल में रहकर इस लड़ाई को जीते। मोदी जी और अमित शाह आम आदमी पार्टी को दिल्ली में वोट के द्वारा नहीं, गलत तरीके से CBI के द्वारा जिस दिन उनकी जमानत होनी थी बाहर आने थे उसी दिन CBI से गिरफ्तार करवा लिया। मनीष सिसोदिया जी के मामले में आपने देखा, अनंतुल्लाह खान जी को बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी मनी ट्रेल के जी हम इनको पकड़ के ले आ रहे हैं। तो इस देश में कानून व्यवस्था की बीजेपी ने धज्जे उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को भी ED के केस में जमानत दे दी। अब CBI ने उन पे केस लगा दिया। संजय सिंह जी को आपने गिरफ्तार किया, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया जी को आपने गिरफ्तार किया, 17 महीने तक सताया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यालय की, ये आगे की ये तस्वीर है जिस तरह से अमनतुल्लाह खान की 4 तारीख को ED द्वारा गिरफ्तारी हो जाती है, उसको लेकर यहाँ पे आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पे बड़ा बड़ा बैरिकेटिंग लगाकर जिस तरह से इन लोगों को रोक रखी है। और ये अभी भी ये प्रदर्शन यहाँ पे लोग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से ED ने अमनतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है उसको लेकर उनको रिहाई करे। ये ED की जो तानाशाही हो नहीं चलेगी की नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी के हाथों में किस तरह से ये बैनर लगा हुआ है। एक बैनर में लिखा हुआ है कि अमनतुल्लाह खान को रिहा करो और वहीं दूसरी तरफ बैनर में लगा हुआ है कि ED का दुरुपयोग बंद करो। तो मैं यहाँ कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से जो अमनतुल्लाह खान को ED गिरफ्तार किए हैं आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग महिलाएं भी यहाँ पे बैठकर जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है अमनतुल्लाह खान को किस तरह से ED गिरफ्तार किए उसको लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं। और ये दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीर है। मैं एक भाई साहब है उनसे जानने की कोशिश करूँगा क्या कहेंगे सर जिस तरह से अमनतुल्लाह खान को 4 तारीख को ED द्वारा हिरासत में ले ली जाती है। गैर कानूनी तरीके से इन्होंने अरेस्ट किया है इनको। भाजपा वाले की जो मनमानी है वो चल रही है, जो है वो करते जा रहे हैं। लेकिन अमनतुल्लाह खान पे आरोप है कि वक्फ बोर्ड में उन्होंने घोटाला किया। तो CBI भी तो इनकी है, CBI ने क्यों नहीं अरेस्ट किया? AC भी इनकी है, क्यों नहीं अरेस्ट किया? ED क्या करते क्यों कर रही है? ये तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी लोग हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक दादाजी हैं उनके भी हाथ में आप देख सकते हैं बैनर है जो ED का दुरुपयोग हो रहा है उसको बंद करो के नारे लगा रहे हैं लोग। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा क्या कहेंगे सर जिस तरह से 4 तारीख को अमनतुल्लाह खान को ED हिरासत में ले लेती है उसके बाद से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ED ने जो ताल को गिरफ्तार किया, गलत किया है, उसको रिहा करना चाहिए। लेकिन ED का आरोप है कि अमनतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड में घोटाला किए हैं। कोई घोटाला नहीं किया, ये BJP की चाल है, कोई घोटाला नहीं किया। ED गिरफ्तार करती है तो BJP कहाँ से इसमें आ जाती है? BJP की ED और सरकार किसकी है? ED को BJP पीछे लगाती है और कौन लगाता है? एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, लेकिन आप भाजपा को आरोप नहीं लगा सकते। सारे भ्रष्टाचारी BJP में ना इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ के मशीन में धो जाते हैं क्या? जितने भी जिस पार्टी भागते हुए सारे भ्रष्टाचारी BJP में शामिल है। लेकिन यह मामला आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं अमनतुल्लाह खान को लेकर कर रहे हैं? हाँ, अमनतुल्लाह खान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया उसने। भ्रष्टाचार नहीं किया। क्या कहेंगे सर जिस तरह से ED हिरासत में ले लेती है अमनतुल्लाह खान को? तो देखिए ये पूरा गैर कानूनी है और ये BJP का षड्यंत्र के किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता को आप हिरासत में ले लो बिना किसी वजह के। मैं BJP वालों से ये पूछना चाहता हूँ, संजय सिंह जी को आपने गिरफ्तार किया, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया जी को आपने गिरफ्तार किया, 17 महीने तक सताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि आप किसी को भी जेल में ऐसे 17 महीने तक सजा नहीं सकते। इनके खिलाफ ना तो कोई सबूत मिला है, ना कोई मनी ट्रेल मिली है, किस वजह से आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला है। और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को भी ईडी के केस में जमानत दे दी, अब सीबीआई ने उन पर केस लगा दिया। मुझे पूरा विश्वास है जल्दी अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई भी जमानत दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा, ये तो नहीं देंगे, क्योंकि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। अभी हमने परसों देखा कि अमानतुल्लाह खान जी को बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी मनी ट्रेल के जी हम इनको पकड़ के ले आ रहे हैं। तो इस देश में कानून व्यवस्था की बीजेपी ने धज्जियाँ उड़ा रखी है और देश के अंदर एक अघोषित तानाशाही जो इन्होंने करी है देश की जनता देख रही है। इन्हें एक बार तो मजा चुका चुके हैं, अब इन्हें हरियाणा के इलेक्शन में, महाराष्ट्र के इलेक्शन में, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में और दिल्ली के इलेक्शन में देश की जनता मजा चखाएगी, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, किसी बीजेपी के कानून से नहीं चलता। लेकिन आप लोग बार बार मजा चखाने की बात करते हैं, लेकिन बात की जाए दिल्ली की तो अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं दिल्ली में 7 सीट थी और 7 के 7 सीट बीजेपी जीती। देखिए ऐसा है, ये बीजेपी लोकसभा का अलग मैटर है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी हमेशा जीतती आई है और प्रचंड बहुमत से 62 आउट ऑफ 70 इस बार 70-70 आम आदमी पार्टी रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के आए दिन जो विधायक हैं वो दूसरे पार्टी में टूट टूट के जा रहे हैं, फिर कैसे आम आदमी पार्टी का ऐसा लग रहा है कि अस्तित्व ही खतरे में है? देखिए ऐसा है, कुछ लोग जो अपनी पर्सनल मंशा से आते हैं, कुछ लोग जो पार्टी के कट्टर नहीं हैं उनका कुछ नहीं कर सकते। वो पार्टी में कट्टरता क्या है? पार्टी में कट्टरता है जो बुरे समय में पार्टी के साथ खड़ा रहे, अरविंद केजरीवाल जी की सोच के साथ खड़ा रहे, जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पार्टी में ना आए और ना जाए। तो हम लोग वो हैं जो पार्टी के लिए कट्टरता से खड़े थे, खड़े हैं। हमारे को लग रहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए आए थे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। चलिए तो ये देख सकते हैं तस्वीरें हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कार्यालय की बाहर की, जिस तरह से यहाँ पे अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था उसको लेकर यहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से ईडी है वो अपने जो उसके पास पावर है उसका वो दुरुपयोग कर रही है। उसको लेकर मैंने तमाम लोगों से बातचीत की और भी लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से जो ईडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और आप जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति को ईडी गिरफ्तार करती है तो कहीं ना कहीं पैसे के मामला से जुड़ा रहता है। और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके हाथों में अमानतुल्लाह खान को रिहा करो की तस्वीर पोस्टर लिए हुए, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा जिस तरह से अमानतुल्लाह खान को क्या कहेंगे। सर आप बैनर लिए हैं, अमानतुल्लाह खान को क्यों गिरफ्तार किया? अमानतुल्लाह खान को झूठे केस में गिरफ्तार कर रहे हैं, अमानतुल्लाह खान को झूठे केस में गिरफ्तार कर रहे हैं। जो सीबीआई ने केस दर्ज किया हुआ था उस केस के अंदर में अमानतुल्लाह खान जी को गिरफ्तार कर रहे हैं। आप डर क्यों रहे हैं? अरे भाई पीछे से पुलिस वाले मना कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं तो क्यों मान जाएंगे? ये क्या कहेंगे आप जिस तरह से अमानतुल्लाह खान की जो गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल गलत हुई है। कहाँ गलत हुई है? ईडी ने कह रही है कि जो वक्फ बोर्ड में घोटाला हुआ है, वक्फ बोर्ड में जो घोटाले का आरोप लगा रही है उसी में सीबीआई ने क्लीन चिट दी, एसीबी ने क्लीन चिट दी, अब ईडी लगी। ईडी को कॉपरेट कर रहे थे, अचानक से उनकी मदर इन लोग का ऑपरेशन होता है, कांग्रेस कैंसर पेशेंट है, वो कैंसर पेशेंट है, अचानक से आप आकर अरेस्ट कर लेते हैं, इसे आप इंसानियत कर रहे हैं। इसमें इमोशनली ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मीडिया के हैं, आपकी माँ नहीं है, कैंसर पेशेंट बना देंगे आप अपनी माँ को? आप घर जाकर चेक कीजिए। वो दोषी है तो ईडी अब कोई मीडिया हो चाहे कोई भी हो, क्यों नहीं मिल रहा है सबूत? क्यों नहीं मिल रहा? बिना सबूत के घर आके उठा रहे हैं, सुबह 6 बजे उनके घर ने क्लीन चिट क्यों दी? एसीबी ने क्लीन चिट क्यों दी अगर कुछ गलत कर रखा था? सबूत तो आपको लग रहा है कि जो अमानतुल्लाह खान की जो 4 तारीख को ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया वो गलत है? गलत सर, गलत है। बिना सबूत के आप गलत मतलब उठा के लेके जा रहे हो। आम आदमी पार्टी क्यों आम आदमी पार्टी ही क्यों? ये बताइए, महिलाओं के साथ इतना दुरुपयोग हो रहा है ना, महिलाओं के साथ हो रहा है ना, केंद्र सरकार इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाती, बस आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है। आम आदमी पार्टी को करना चाहती है सरकार, कदम तो उठा रही है ना, अभी आप देखा है बुलडोजर राज जो भी महिला चला रही है उन पे बुलडोजर नहीं चल रहा? आपको नहीं लगता कि आपकी बहन के साथ बंगाल में हुआ ऐसा उस पे नहीं बुलडोजर चलना चाहिए? चलना चाहिए जरूर, पहले उस पे चलाइए बुलडोजर, उसको जरूरत है। अमानतुल्लाह खान को जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है उसको लेकर आप लोग क्या कहें?
देखिए अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी इसी तरह से अवैध है जैसे मनीष सिसोदिया जी के मामले में आपने देखा कि उनको 17 महीने तक जेल में रखा गया और 17 महीने तक जेल में रखने के बाद अंततः उन्हें जमानत देनी पड़ी क्योंकि उनके खिलाफ कुछ भी सबूत ईडी को मिला ही नहीं, सीबीआई को मिला ही नहीं। इसके अलावा संजय सिंह को 6 महीने तक जेल में रखा, तब बड़े ज़ोर शोर से ईडी कहती थी, सीबीआई भी कहती थी कि संजय सिंह दोषी है, संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत है। कुछ सबूत मिला नहीं मिला, उनको भी जमानत हो गई। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पिछले लगभग 5 महीने होने को हैं जेल में डाला हुआ है, अभी तक कोई सबूत ईडी जुटा नहीं पाई और ईडी ने तो जमानत दे दी थी। उसके बाद गलत तरीके से सीबीआई के द्वारा जिस दिन उनकी जमानत होनी थी बाहर आने थे उसी दिन सीबीआई से गिरफ्तार करवा लिया। तो इन सारे मामलों से पता चल रहा है कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी भी अवैध है। कोई भी इसमें कुछ भी ऐसा कारण नहीं सामने आएगा कि हाँ गिरफ्तारी जाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार ईडी सीबीआई जिस तरह से गिरफ्तार कर रही है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए इसके पीछे रीजन सिर्फ एकमात्र रीजन ये है कि मोदी जी और अमित शाह आम आदमी पार्टी को दिल्ली में वोट के द्वारा नहीं हरा पाए, जनता के द्वारा, क्योंकि जनता, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को पसंद करती है और इसलिए लगातार से 3 बार से उसको चुन रही है। 3 बार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ऐसे तो वो हरा नहीं पा रहे, एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी आ गई, बीजेपी हरा नहीं पाई। तो दूसरे तरीकों से आम आदमी पार्टी के नेताओं को हरेस करके, उनको, उनके मामलों को लटका कर, भटका कर, लंबा खींच कर, डिले कर कर फंसाने की कोशिश की जाती है कि ये लोग डेमोरलाइज हो जाएं, कुछ लोगों को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं सीबीआई का, ईडी का डर दिखाकर, नेताओं को, विधायकों को, निगम पार्षदों को। अतीत में ऐसी घटनाएं आपने बहुत देखी हैं, हमारे काफ़ी विधायकों को डराने की, धमकाने की कोशिश हुई। तो क्योंकि ग्राउंड पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाई, अब वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को एक तरह से परेशान करना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, जैसे सोने, सोना भट्टी से निकलता है ना तो वो और ज़्यादा चमकता है, ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता चमके हुए क्योंकि वो एक आंदोलन से निकले, उन्होंने एक संघर्ष किया है, उसी से पार्टी बनी। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये लोग डरा धमका कर जेल में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं डाल सकते। क्या लग रहा है कि ये संघर्ष रोड से लेकर जेल तक रहेगा? संघर्ष तो रोड से जेल तक चलेगा ही, यदि वो जेल में डालेंगे तो जेल में जाने के बाद भी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी जैसा कि और मामलों में लड़ी गई और जीत हुई। कुछ आपके सामने तो है सब कुछ, मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद इस लड़ाई को जीते और जमानत मिली, संजय सिंह 6 महीने जेल में रहकर इस लड़ाई को जीते और जमानत मिली। तो बाकी नेता भी इस लड़ाई को जीतेंगे और इसलिए हर प्रोटेस्ट में इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के नारा को दोहराया जाता है। यस, इसीलिए क्योंकि भगत सिंह पर भी उस समय की जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसने ज्यादतियाँ की थी और क्योंकि भगत सिंह सही तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से ही एक मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन उस समय की राजनीति को देखते हुए भगत सिंह को फंसाया गया। लेकिन उन्होंने फिर भी ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी नहीं मांगी, उनसे ये कहा गया कि भाई आप माफ़ी मांग लो, आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी ना, वो माफ़ी ना मांगकर फांसी के फंदे पर झूलना उन्होंने चुना और वो शहीद हो गए। तो आम आदमी पार्टी के नेता भी माफ़ी नहीं मांगेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, पहले सड़क पर यदि वो हमें मान लीजिए किसी तरह से प्रताड़ित करके, गुमराह करके जेल में डाल सकते हैं तो फिर कानूनी लड़ाई जेल में भी लड़ी जाएगी। चलिए शुक्रिया। तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे और यहाँ पे लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जिस तरह से इनके नेताओं को ईडी सीबीआई द्वारा दुरुपयोग करके
जेल में डाला जा रहा है उसको लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे। आप क्या सोचते हैं ईडी और सीबीआई जैसे बड़े बड़े एजेंसियों के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।